इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाई प्रोफाइल मुकाबला है वो 28 तारीख को खेला जाएगा और उसके बाद 4 सितंबर को भी खेला जाएगा। और सब कुछ अगर ठीक रहा और इतिहास को बदलते हुए अगर ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई तो फिर 11 सितंबर को भी इन दोनों के बीच में फाइनल मैच खेला जाएगा। यानी कि एक ही एशिया कप में 3 दफा आप इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच का लुत्फ उठा सकते हैं और ये बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला है, सबकी नजर इस पर है। लेकिन उससे ठीक पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ऑब्वियसली बात है, जब पिछले साल हम पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे इसी दुबई के मैदान पर तो हमें हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की टीम ने जबरदस्त क्रिकेट खेली थी, 10 विकेट से उस मैच में पाकिस्तान की टीम ने भारत को हराया था। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि उसके बाद से हमने क्रिकेट खेलने का अंदाज बदल दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से हमने तैयारी की है, उम्मीद है कि रिजल्ट भी बदलेगा। यानी कि रोहित शर्मा ने एक तरीके से कहें तो साफ शब्दों में कह दिया कि भाई हमारे खिलाड़ी तो हो सकता है कि सेम हो जो कि पिछले मैच में खेल रहे थे, लेकिन उनकी तैयारी करने का अंदाज बदला है, उनके खेलने का अंदाज बदला है, तो क्या हम उम्मीद करें कि इस बार रिजल्ट भी बदल जाएगा। रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए ये बात फैक्ट है कि 40 डिग्री की टेम्परेचर में अभी भी जब 28 सितंबर को मैच खेला जाएगा, अगस्त को मैच खेला जाएगा, तब भी काफी गर्मी होगी और हम उसी के लिहाज से उसी गर्मी में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई वहां पर जाकर खिलाड़ियों को बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो और लगातार हम अभ्यास कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स टॉक भी यही चाह रहा है कि जो कप्तान ने बात कही है कि खिलाड़ी वो ऑब्वियसली हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रिपरेशन का अंदाज हमने बदला है, जिस तरीके से खेलने का अंदाज हमने बदला है, क्या ये सारी चीजें मिलकर रिजल्ट बदल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी दमदार है और उम्मीद करते हैं कि एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के ऊपर इस बार हमला करे और जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाए और जो 10 विकेट की हार मिली थी उसका बदला ले। यहां पर टीम इंडिया पर दबाव डालने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर टीम इंडिया अपने स्किल पर खेल गई, अपने जो कहते हैं ना कि स्किल सेट के हिसाब से परफॉर्मेंस कर दिया, तो शायद पाकिस्तान को हम हराने में सफल हो जाएंगे। और इस बार तो एशिया कप में हो सकता है 3-3 दफा हम पाकिस्तान से भिड़े और अगर 3-0 से पाकिस्तान को हरा दिया तो फिर वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती। तो उम्मीद करते हैं कि एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप में जैसे कप्तान ने कहा बिल्कुल टीम इंडिया वैसी परफॉर्मेंस करे, तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो फिर उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलना चाहिए। आपको कैसे लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।